25 लाख का बीमा, मेडिकल बीमा हम देंगे अगर हम सरकार में चुनकर आते हैं। जो बहुत सारे युवा बेरोजगार है, तो जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपया देने की घोषणा कल हमारे पार्टी ने की है। सायन हॉस्पिटल में एक ही बेड पे दो दो तीन तीन लोगों को, 8 स्पोर्ट्स के कहीं फैसिलिटीज नहीं है कहीं भी। रोड में खड्डे, खड्डों में रोड है, हमारे यहाँ वही नहीं समझ में आता। नमस्कार, नवभारत नवराष्ट्र के सभी डिजिटल दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम नवभारत संवाद में स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और इसके तहत हम विभिन्न उम्मीदवारों को अपने कार्यालय में आमंत्रित कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं साइन कोलीवाड़ा से महाविकास अघाड़ी कांग्रेस उम्मीदवार गणेश यादव। गणेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यालय में। धन्यवाद। सबसे पहले तो अपने चुनाव प्रचार की रणनीति और किस तरह से आप लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं, इस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, कल ही हमारा मैनिफेस्टो का घोषणा हुआ है, जिसमें हमने महिलाओं के लिए जो योजना प्रपोज की है उसमें 3,000 रुपया डायरेक्ट उनके अकाउंट में देने के लिए और बस की सेवा महिलाओं के लिए मुफ्त घोषणा की है। 25 लाख के ऊपर 25 लाख का बीमा, मेडिकल बीमा हम देंगे अगर हम सरकार में चुनकर आते हैं। तो आज लोगों को महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है कि लोगों को अगर एक 15,000 का सैलरी लेने वाले आदमी को महीने के 15वां दिन या 20वें दिन पे ही कड़की की महसूस होने लग जाती है। तो दवाई जब भी लेना पड़ता है तो वो एक बहुत बड़ी एडिशनल बर्डन होती है। तो दवाई भी फ्री में देंगे करके हमने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है। जातीय गणना, जनगणना के बारे में भी जिक्र किया है और 50% का जो रिजर्वेशन का कैप है उसको भी हटाने की कोशिश करेंगे करके उसमें हमने प्रॉमिस किया है। बेरोजगार जो है, बेरोजगार युवा, जो बहुत सारे युवा बेरोजगार है, तो जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपया देने की घोषणा कल हमारे पार्टी ने की है। तो आज ऐसे कई सारे घोषणाएं, प्रॉमिसेस हमने एक स्टेट लेवल पर किए, वो हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हमको वोट करने पे हमने जो प्रॉमिस किया है वो निभाएंगे। तो कर्नाटका हो या तेलंगाना हो, हमने सारे जगह हमारे प्रॉमिसेस निभाए हैं। और आज अगर आप सायन कोलीवाड़ा के खास करके विषय देखें, तो मैं सायन कोलीवाड़ा के जनता को यही बात बोलते आया हूँ कि पिछले 10 साल से आपने बीजेपी के MLA तमिल सेल्वन जी को मौका दिया, उन्होंने 10 साल में सायन कोलीवाड़ा को बेहाल कर दिया। कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए। आज वो हाउसिंग का विषय अगर आप ले लेंगे तो तानसा पाइपलाइन के ऊपर जो सेटलमेंट है, उनका जो रिहैबिलिटेशन करना है उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। प्रतीक्षा नगर कैंप अगर आप ले लेंगे, वहाँ पे बॉम्बे का सबसे बड़ा ट्रांजिट कैंप प्रतीक्षा नगर कैंप है और प्रतीक्षा नगर कैंप में बिल्डिंग 3-3 फीट धस गई है। वो लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा जैसे लीनिंग टावर ऑफ प्रतीक्षा नगर बन गई है। आज वहाँ पे कुछ ओवरऑल ट्रांजिट कैंप के विषय पे कोई बहुत बड़ा पॉलिसी पर इन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। 25 बिल्डिंग हमारे यहाँ पंजाबी कॉलोनी है, जो पूरे मुंबई को मालूम है कि वो 2021 में टूट गया, GR लेकर आए पुराना डेवलपर, वो GR के अगेंस्ट कोर्ट में चले गया। आज वो 1200 फैमिलीज बेघर हो गए और 2021 से आज तक खुद खुद का रेंट भरते भरते बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। तो हाउसिंग के ये विषय है। हेल्थ केयर के अगर आप देखेंगे तो कोई अच्छे हॉस्पिटल हमारे यहाँ नहीं है। सायन हॉस्पिटल में एक ही बेड पे दो दो तीन तीन लोगों को सुला देते हैं, वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे कोई भी अच्छे अस्पताल हमारे यहाँ नहीं है। हेल्थ केयर को देख लेंगे तो 8 स्पोर्ट्स के कहीं फैसिलिटीज नहीं है कहीं भी। ओपन स्पेसेस जहाँ हैं उसको ये कब्जा करने में लगे हुए हैं। इनको देख, 1.5 एकड़ जमीन एक ट्रस्ट के नाम पे दिया गया, वो एक बेनामी ट्रस्ट दिखता है प्राइमा फेसी, वरना फाइनेंस डिपार्टमेंट, UD डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सब ने नेगेटिव रिमार्क देने के बाद भी 1.5 एकड़ जमीन वो ट्रस्ट को स्पेसिफिकली क्यों दिया गया, जबकि उनका कोई एजुकेशन से लेन देन नहीं है। और कौन से 27 दिन में, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 1 तारीख को फाइल पुटअप होता है और 27 तारीख तक जगह का रिजर्वेशन भी चेंज हो जाता है और जगह उनके नाम पे भी अलॉट हो जाता है। ऐसा क्या वो ट्रस्ट ने किया कि इतना फास्ट और इतने प्रायोरिटी पे कैबिनेट ने वो प्रस्ताव क्लियर करके तमिल सेल्वन जी के लेटर पे वो ट्रस्ट को दे दिया? तो भ्रष्टाचार के आरोप, ऐसे कई सारे चीजें, बाथरूम, फिर गटर
सफाई होती नहीं है, नाले सफाई नहीं होती है, रोड में खड्डे, खड्डों में रोड है, हमारे यहाँ वही नहीं समझ में आता, कई सारे मसले ये सब जनता के बीच लेके जा रहे हैं। दीपक जी, लोकसभा चुनाव में आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ कांग्रेस यानी शिवसेना का जो उम्मीदवार था महाविकास अघाड़ी, उसको लीड मिली थी, कांग्रेसियों में एक बहुत उम्मीद थी कि वो सीट हम विधानसभा में जीतेंगे, उसका आपने परिणाम भी देखा कि मेरे को लगता है कि हाईएस्ट आवेदक थे वहाँ से परसोआ और साइन कोलीवाड़ा में, लेकिन उस कुछ 30-32 लोग थे उसमें से आपको पार्टी ने डिसाइड किया टिकट देना, ये बाकी जो इतने लोग हैं जो दावेदार थे उनके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है? देखिए ऐसा है कि पार्टी टिकट तो एक ही व्यक्ति को दे सकता है। 2019 में मैं चुनाव लड़ा था और मैं सिर्फ 10,000-11,000 वोटों से हार गया था। 2019 में एक हमारी इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं थी क्योंकि लोकसभा में भी उनकी बहुत बड़ी जीत हुई थी और साइन कोलीवाड़ा में 20,000 के ऊपर का प्लस था उनका, हमारा डेफिसिट था 20,000 का। उस समय पर मैं चुनाव लड़ा और करीब 11,000 मतलब 9,000 वोट मैंने 20 दिन से 25 मेरा टिकट डिक्लेयर होकर मुझे 20 दिन मिला था और मैंने तभी 9,000 वोट कवर कर लिया था और 10,000-11,000 वोट से मैं हार गया, वो भी आमिर इदरीसी करके नाम का एक वंचित बहुजन से लड़ गया जो 12,000 वोट ले लिया और जो ये बीजेपी की बी टीम है उसके हिसाब से मैं हार गया। आज तो शिवसेना की युति है तो जीतना तय था और उन्होंने देखा कि 9,300 का लीड है तो जिस सीट पे लीड होती है वहाँ पे मांगने वाले भी बहुत होते हैं, बट अधिकार हक किसका है ये तो पार्टी निर्णय लेगी ना। पार्टी ने अगर मेरे नाम का निर्णय लिया तो कुछ सोच समझ कर सर्वे के आधार पर उसके आधार पर निर्णय लिया, उसमें अगर कोई लोग नाराज हो गए थे तो वो आकर पार्टी में बैठकर बात कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे कि उनको सरकार बनने के बाद कहीं अकोमोडेशन दिया जाए। पार्टी ने इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया। पिछले अभी एक व्यक्ति जो पार्टी छोड़कर गए वो तो 40 साल से उनको टिकट दिया जा रहा है, हर टाइम वो थोड़े वोटों से चुनकर आते हैं फिर भी उनको जो कांग्रेसी वार्ड है वही वार्ड से उनको टिकट चाहिए रहता था, वही मिलता था। लोकसभा के पहले तक तो टिकट नहीं मांग रहे थे, लोकसभा के बाद टिकट मांगना शुरू हुए। पार्टी ने सब देखकर एक निर्णय लिया तो मुझे लगता है कि सभी लोग उस डिसिप्लिन में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ 99% लोगों ने सहमति की है, ठीक है नाराजगी होती है, हम घर जाकर लोगों को मिलकर सबको साथ में ले लिए, एकाध व्यक्ति नहीं आते, कोशिश करने पे भी नहीं आते, हमने कोशिश किया बट पर्सनल एम्बिशन पार्टी से बड़ा हो गया तो उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लाडली बहना योजना जो महायुति सरकार है वो उनका काफी उनका कहना है कि गेम चेंजर है और इतनी महिलाएं लाभान्वित हैं, उसका कितना असर आपके खास के जो आपका चुनाव क्षेत्र है उसमें कितना पड़े? देखिए लोग ये समझते हैं कि जब वोटों की हो गई कड़की तो बहना हो गई लाड़की। देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में इतनी हालत खराब हो गई कि 31 सीट हम जीत गए और उनका 48 में से हम 31 जीत गए, तो इमीडिएट इन्होंने ये स्कीम का सोचा। तो पब्लिक भी जानती है कि जो सरकार पिछले 2-2.5 साल से कुछ नहीं कर रही है अभी सडनली बहना लाड़की हो गई, अगर बहना लाड़की हो गई तो उनको सुरक्षा दे दो, महंगाई कम कर दो और उनके बच्चों को रोजगार दे दो, वो छोड़कर ठीक है अच्छी बात है 1500 रुपये देने से इकोनॉमी में बूस्ट आता है, बट हमने भी तो हमारे से ही कॉपी किए ना, कर्नाटका में हमने किया, तेलंगाना में हमने शुरू किया, तो आज कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी को बूस्ट मिलना चाहिए, आज हम भी इससे सहमत है और हमने भी कल एक 3,000 का महालक्ष्मी योजना डिक्लेयर किया है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को मालूम है कि ये लोग जो करते हैं वो सिर्फ चुनाव तक के लिए करते हैं और हम लोग जो करते हैं वो परमानेंट होता है। तो बेरोजगार युवकों का जो 4,000 वाला उसका कितना, जो यूथ है आपका जो चुनाव क्षेत्र का उस पर कितना इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि लाडली बहना तो वो चला रहे हैं, आपने एक लाडला भाई की तरह से योजना को शुरू करने की बात की। देखिए लाडला भाई मतलब आप समझो कि उनके लिए भी एक लाडला भाई है, आपको शायद नहीं मालूम है, बम्बई शहर के अंदर अडानी जी नाम का उनका एक लाडला भाई है। हम सच्ची में हमारे लाडला भाइयों जो बेरोजगार, इन्होंने जिसको बेरोजगार करके रखा है, जैसे मैं हर जगह ये बात कहता हूँ देश में एक आदमी बेरोजगार होगा तो करोड़ों को रोजगार मिलेगा, वो एक आदमी कौन है आप सब जानते हैं। तो ऐसा है कि
जैसे वो एक आदमी अभी तक रोजगार पे है, तो करोड़ों लोग जो बेरोजगार है उनको कुछ ना कुछ तो सहायता, आज वो क्राइम के तरफ चला जाता है, यंग लोग कुछ भी इनकम नहीं रहता है, क्राइम बढ़ते जा रही है। अगर आप स्टेट के अंदर देखेंगे तो मुंबई के अंदर खास करके कितना क्राइम बढ़ रहा है, तो आज रोजगार नहीं है तो लोगों को फिर गलत रास्ते पे जाने का एक ही आ जाता है, कहीं ना कहीं ये रोकना है। ठीक है, रोजगार देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रोजगार रोजगार का मौका पैदा करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो आज जब तक उनको नहीं देते हैं, गवर्नमेंट 4000 देंगे हम लोग, और वो एक जिम्मेदारी से देखेंगे ना, 4000 रुपये हम दे रहे हैं तो इनको रोजगार भी देना है आने वाले दिनों। आपके चुनाव में आपने भी जिक्र किया कि 50% के कैप को हटाएंगे, ये अव्यवहारिक वादा नहीं है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए वो भी सेंट्रल में जहाँ आपकी सरकार नहीं है। नहीं देखिए ऐसा है, नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में जो चाहिए आप बोल रहे हैं ना, विषय ऐसा है कि आज ऑपोजिशन भी स्ट्रांग है और ये विषय पे सरकार के लोग भी बहुत जन फेवर करेंगे, और ये सरकार कितने दिन चलेगी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आने के बाद वो भी हमको पता नहीं है ना, ये सब जगह तोड़ते रहते हैं, कहीं खुद ही उनके ही लोग अंदर तोड़ नहीं देवे, तो कोशिश तो हम करेंगे ना। देखो सबको अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए, आज यहाँ पर भी क्या आंदोलन चल रहे आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर, तो लॉलीपॉप तो ये लोग देते हैं, जैसे थाने में जाकर वाशी में जाकर लॉलीपॉप देकर आए थे, बाद में लोग भी समझ गए, कोशिश करेंगे, उसमें लिखा है कोशिश करेंगे करके। मुंबई की समस्या की बात करें तो ट्रैफिक की जो समस्या है, जो आने जाने की, वो एक बड़ी समस्या, उसको लेकर आपका क्या विजन है, आपकी चुनाव क्षेत्र की बात करें और ओवरऑल मुंबई की बात करें। देखिए सायन कोलीवड़ा में ना अराउंड 60-70% स्लम है और अराउंड 30-40% हाई राइज बिल्डिंग्स है, और सायन को आप स्ट्रेटेजिकली मुंबई शहर के अंदर देखेंगे तो सेंटर है शहर का, आप साउथ बॉम्बे जाना हो या आपको बैंड्रा साइड जाना हो या आपको नॉर्थ ईस्ट साइड जाना हो, मतलब मुलुंड साइड जाना हो, तो एकदम सेंटर में पड़ता है। तो आज आप देखेंगे तो हमारे सरकार ने उस समय पर सायन की इस खूबी को जाना था, और बिफोर 2014 ही ईस्टर्न फ्रीवे बना जो कि वहाँ से एग्जिट होता है। अभी वो ईस्टर्न फ्रीवे बनने के बाद हमारे यहाँ एक एरिया है WTT वडाला ट्रक टर्मिनल, जिसको एक सेकेंड BKC के रूप में, एक बिजनेस सेंटर के रूप में बनाया जा सकता था, बट एक लॉ मेकर का काम सिर्फ गली बनाना गटर बनाना ये नहीं है, एक पॉलिसी बनाना और नए प्रोजेक्ट्स को, बड़े प्रोजेक्ट्स को अपने एरिया में लेकर आना। अभी एज एन MLA 10 साल में इन्होंने कौन सा नया प्रोजेक्ट लेकर आए? मुंबई शहर के लिए एक विजन एकदम क्लियर है, जैसे ट्रैफिक की बात आपने किया तो रोड्स में खड्डे नहीं होने चाहिए, ट्रैफिक तो बिकॉज ऑफ पॉट होल्स भी होते हैं, तो वो पॉट होल्स कम हो जाने चाहिए एक तो वो, दूसरा अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जैसे ब्रिजेज हो गए जहाँ जरूरी है, सिग्नल एट द राइट प्लेसेस, ये सब चीज़ें, व्हीकुलर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगी, थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे तो 100% ट्रैफिक के समस्या से हम बाहर आ सकते हैं, रोड वाइडनिंग जिधर जिधर कर सकते हैं। अभी रही बात ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का या एक नया प्रोजेक्ट को साइन में लाने का, पिछले 10 साल में मुझे आप एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जो तमिल सेल्वन जी के टाइम पे हमारे यहाँ हुआ हो। एक स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाया क्या कभी? एक स्पोर्ट्स सेंटर इजीली बन सकता था, बड़े बड़े जगह है वडाला ट्रक टर्मिनल के यहाँ, MMRDA की जमीन इनको दी जाती है ट्रस्ट को, जिसका कोई एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसके पहले चलाने का बैकग्राउंड नहीं है, वैसे एक ट्रस्ट को आप 1.5 एकड़ जमीन दे देते हो तो क्या उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकती है? ओवरऑल मुंबई की बात करें तो जो मुंबई कांग्रेस का प्रदर्शन होगा, जो आपकी पार्टी की, तो उसको कैसे आप उसकी समीक्षा कर रहे हैं, कितनी सीटों की उम्मीद है? आज के तारीख में तो हम सब सीटें जीत रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सभी जगह हम जीतेंगे, और मुंबई शहर के अंदर खास करके आपने देखा होगा कि 6 में से 4 पार्लियामेंट तो हम चुनकर आए थे और एक पार्लियामेंट तो हम सिर्फ 48 वोटों से हारे जी, वो भी बैलेट के वजह से, वरना हम एक वोट से हम जीत रहे थे, बैलेट जब भी ओपन हुआ मतलब जो पोस्टल बैलेट उसमें हम 48 वोट से हार गए। तो मुंबई शहर का टेम्परामेंट ऑलरेडी डिसाइडेड है, मुंबई शहर ने डिसाइड कर लिया है कि ये टाइम बीजेपी
एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के इस युति को घर पे बिठाना है। मुंबई के अंदर मुझे लगता है 36 में से 36 सीटें हम लोग जीतेंगे। नहीं, कुछ तो अतिशयोक्ति लगती है 36 जैसे भारतीय जनता पार्टी 44+ लेकिन एक बात है जो आपके आप चूंकि विषय आपका नहीं है लेकिन जो पार्टी के आप भी सीनियर लीडर हो गए पिछली बार चुनाव लड़ा था। अभी मैं AICC सेक्रेटरी भी हूँ, आंध्र प्रदेश और अंडमान का प्रभारी हूँ। तो आपको 36 में जो कम सीटें मिली, मेरे को लगता है कि कांग्रेस के इतिहास में पहली बार इतनी कम सीटों पर लड़ना, ये इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा आक्रोश है कि हम धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं, चाहे मुंबई की बात करें या चाहे स्टेट की बात। देखिए, ऐसे ही लोकसभा के समय भी एक आक्रोश था, बट लोकसभा के समय आपने देख लिया कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, एटलीस्ट इन महाराष्ट्र। अभी रही बात, मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं को दर्द होगा कि कुछ सीटें हमको मिलनी चाहिए थी वो जो नहीं मिली, बट जैसे मैंने कहा कि युति की एक धर्म होती है, युति धर्म हम सबको पालना पड़ता है। एक लार्जर पिक्चर को देखते हुए, जैसे एक फेसिस ताकत को महाराष्ट्र के अंदर, एक इमोरल गवर्नमेंट को महाराष्ट्र के अंदर गिराने के लिए हमको कुछ सेक्रीफाइसेस करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार है, ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं। ठीक है कि नेगोशिएशन में कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि लोग बोलते हैं कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ठीक है हमने कुछ सेक्रीफाइसेस किए रहेंगे, बट वो कहीं ना कहीं बाद में कॉम्पनसेट होगी। ऐसा नहीं है कि पहला मकसद ये है कि ये फेसिस ताकतों को, ये इमोरल सरकार को गिराना है। हमारा मकसद एकदम क्लियर है, महाराष्ट्र को बचाना है, महाराष्ट्र के अस्मिता को बचाना है, तो उसके लिए छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस हम देंगे और उसके बाद वो कॉम्पनसेट भी होगा, हमारे कार्यकर्ताओं को हम मनाएंगे। कॉम्पनसेट इस रूप में होगा कि कांग्रेस का CM बने? नहीं, देखो ये बात मैं अभी बोलना ये मेरे लिए उचित नहीं है, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। कांग्रेस के हाईकमांड, शिवसेना के उद्धव साहब, पवार साहब, ये सब मिलकर इलेक्शन के बाद वो लोग निर्णय लेंगे जिसको हम लोग सब सहमति से अग्री करेंगे। अभी शिवसेना के साथ अभी जब आइडियोलॉजी की बात करें, अभी तक जिसके खिलाफ आप लोग लड़ते रहे, जिस विचारधारा के खिलाफ, वो उस विचारधारा के साथ मिल के काम कर रहे, ग्राउंड लेवल पर जो शिवसेना के कार्यकर्ता है या शिवसेना के जो वोटर है उनको कन्विंस करने, क्योंकि उनको हाथ के पंजे पर उठते कितना कठिन लगता है। देखिए, लोकसभा में वो ट्रायल रन हो चुका है और रिजल्ट आप सबके सामने, 48 में से 31 चुन कर आए, तो रिजल्ट तो आप सबने देख लिया कि क्या होने वाला है। तो विषय ऐसा है, और कुछ सीटों में तो हम बहुत छोटे मार्जिन से आ रहे हैं, तो एकदम क्लियर है। जैसे आपने कहा आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है, बट जैसे हमने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार बनाई थी 2019 में, उस समय पे हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का गठन किया था कि हम इस विषय के ऊपर ये सरकार को बनाते हैं। आइडियोलॉजीज डिफरेंट रह सकते हैं, बट महाराष्ट्र के लिए हम लोग एक कॉम्प्रोमाइज कर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर महाराष्ट्र के लिए कर सकते हैं। तो हमने वही बेसिस पे 2019 में एक हमारा आप देखेंगे तो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। फिर रही बात आइडियोलॉजी की, तो आपने देखा होगा कि PDP भी एक सेपरेटिस्ट पार्टी है कश्मीर की, BJP ने उनके साथ अलायंस किया ना सरकार बनाने के लिए। JDU मतलब नीतीश कुमार जी की पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है और BJP की आइडियोलॉजी क्या है, किया ना उन्होंने अलायंस। तो विषय ऐसा है कि हमने जो अलायंस किया, वी हैड अ जस्टिफिकेशन टू दैट कि हम ये विषय के लिए, ये पॉइंट्स के लिए हमने ये अलायंस किया और गवर्नमेंट इस आधार पर चलेगी। इनका जो अलायंस होता है ये सिचुएशनल अलायंस होता है, सरकार बनानी है, पावर चाहिए, उसके लिए अलायंस करो। एक छोटा सा जवाब, आपके सामने जिसके सामने जो चुनाव लड़ रहा है वो तीसरी बार, थर्ड बार टाइम 10 साल में ले रहा है, उसको कितना चुनौती मानते हैं? देखिए, साइन खोलीवाड़ा का इतिहास रहा है, 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म कभी किसी को रिपीट नहीं होता है। किसी को रिपीट होता नहीं है। हमारा जीत इस टाइम पे निश्चित है, 9300 से हमारा लीड बढ़ने वाला है। 10 साल में इन्होंने जो बेहाल कर दिया है साइन कोलिवाड़ा की जनता, इनसे त्रस्त है और आज शिवसेना भी हमारे साथ है। तो
हम और प्लस मेरा 5 साल का मेहनत और काम भी है उस क्षेत्र का, ये 3 विषय पे हमारी जीत निश्चित है। एक मिनट, आपको बिल्कुल आजादी है अपनी बात, हमारे जो अपने वोटर्स हैं, अपने कंस्टिट्यूशन को अपनी बात क्या अपील करते। सायन कुलीवड़ा के जनता के लिए मेरा एक ही अपील है कि आपने 10 साल एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जो कि 10 साल से आपको आपके लिए एक फेलियर रहा है। वो हाउस के अंदर आपके कोई मुद्दे उठाने हो या कोई नए पॉलिसी बनाने हो या नया प्रोजेक्ट्स लाना हो सायन कुलीवड़ा के लिए, उन्होंने कोई काम कभी किया नहीं। प्रोजेक्ट्स तो बहुत दूर की बात, जो डेवलपमेंट का फंड भी आया उनको उसका भी पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं किया। एक गली नहीं बनाया, एक सीसी रोड नहीं बनाया अच्छे वाले, एक स्पोर्ट्स सेंटर नहीं बनाया, कुछ भी काम पिछले 10 साल में उन्होंने किया नहीं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नाम पर, धर्म जात के नाम पर उन्होंने आपसे वोट मांगा। ये टाइम आपको धर्म ना जात देखते हुए डेवलपमेंट कौन करेगा, कौन सी सरकार आएगी तो आपका काम होगा, और सायन कुलीवड़ा के अंदर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन रहेगा, ये सोचकर ये समझकर आपको वोट करने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में आपने 5 साल देख लिया इस आदमी का, 10 साल देख लिया, और 5 साल से तो मैं आपके साथ लगा हूं। वो फंड से जो नहीं काम करता था मैं खुद से करता था। तो आज समय है चुनने का कि हमको कौन सा नेता हाउस के अंदर रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारी आवाज बनकर गूंजेगा और नए प्रोजेक्ट्स, नए बोलते हैं ना कि नए, एक नए से शुरुआत। हम लोगों ने एक सायन कुलीवड़ा में एक सेइंग रखा है कि नया सवेरा नया उजाला अब बदलेगा सायन कुलीवड़ा। ये नारे के साथ आपको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि 20 तारीख को सोच समझ कर एक नव युवक, मेरे जैसे एक युवा लड़का राजनीति में आशीर्वाद दीजिए, यही मैं मेरा अपील आप सबसे रहेगा। एक नंबर बटन पे